40 रुपए ये जा रहे हैं। देखो कैसा है, तेरे को मना किए थे मत ले। हाय गाइस, सो आज हमारा जो ट्रिप शुरू हो चुका है चंडीगढ़ के लिए, और ये है इसको चूतिया, और मैं रेडी हो चुका हूँ। सो हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बट ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो हमको थोड़ा घूमना होगा स्टेशन पर। चलिए मिलते हैं आगे, ब्लॉग आपको अपडेट करते हैं धीरे धीरे। ये फ़ोन मेरा नहीं, राहुल का। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने फ़ोन मांग के शूटिंग कर रहा हूँ, बचपन से आदत है मेरी, पहले फ़ोन मांगता था, अब यूट्यूब पर वायरल नहीं हुआ, आज ही फ़ोन मांग रहा हूँ। पर देख रहे हैं स्टेशन पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं तुम्हें, यहाँ पे भाई बाबा मिलेंगे, यहाँ पे खाली लोग मिलेंगे। ये देखो स्टेशन पूरा खाली है गाइस, ये हाँ ट्रेन आ रही है। आप लोगों को ट्रेन दिखाते हैं कि नहीं, ट्रेन आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी बात नहीं है, बट ये ट्रेन अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। साले ड्रॉप ही पाई जा रहा है आधे घंटे से, जो लेंस लेके आ जाते हैं लोग यही करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चश्मा पा कर आए, मस्त गजब, कोई दिक्कत ही नहीं। आओ ट्रेन देखते हैं, ये रोटेट हो जाता है क्या? नहीं। अरे वो आ रही है ट्रेन, कूल मैन, गंगा सतु, ये चूतिया अभी भी ऐसी लगा हुआ है। वो आ रही है ट्रेन, ड्रॉप ही डालते रहे ऐसा। नहीं भाई, थोड़ा बहुत पाएंगे सब लोग को दिखाने के लिए, अपडेट करने के लिए यार। अच्छा इसको, इसका नाम है जुड़ी, बोलो जुड़ी 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 जुड़ी। अब मैं राहुल बात जो आसमान आ रहा है, अब मैं राहुल बैठ के बात करेंगे यहाँ के जॉब्स के बारे में, उसकी क्या जॉब है, उस पोस्ट पे क्या जॉब मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, और ये बोलेगा मुझे भूख लगी है, मुझे चाय पिला दो। चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में अपडेट करते हैं ट्रेन में बैठने के बाद। थैंक यू गाइस, आप लोग मान नहीं सकते, हम लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया आपको दिखाने के लिए, हमने बहुत ऐसा देखा, हमारी आंखें, दिल खुश हो गया, मेरी आंखें रुक गई उसको देखते देखते, और ये खुद रुक गया, कहता यहाँ से चलना है क्या? तो ये अब छोड़ो, अब क्या ही करें यार, जिसके नसीब में होता है वो देख लेते हैं, जो नहीं देख पाते कभी देख पाता। नसीब में नहीं है, टैक्टिक्स पता है, टैक्टिक्स होती है देखने वाली। ये क्या होता है, टैक्टिक्स क्या होता है यार? साले देखो गाइस, स्टेशन नया बन रहा है, हम लुधियाना से रहने वाले हैं, और लुधियाना में एक रिनोवेशन हो रही है गाइस, रिनोवेशन चलना पे जो भी हो रही है, बाहर में जा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यू है, व्हाट अ व्यू। और आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं, अब वहाँ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फोन ना गिरा दिए साले यहाँ से कोई। हाँ हाँ भाई, खुद मत डर, मुझे मत डर। ठीक है गाइस, बाद में बात करते हैं, हम बैठेंगे वहाँ, बैठना पड़ेगा, पापा के साथ नहीं आया दोपहर। चल देखा, वेलकम टू इंडियन रेलवे। ये देखिए ये पड़ा हुआ था यहाँ पे, अब राहुल जी खाएंगे उसको, खा के दिखाएंगे। ये रही है भाई, गंदगी लगी, गाली मत दे, ब्लॉग चल रहा है मेरा, लोगों को दिखाना है मेरे को। बैठ जा सर जी, उस तरफ लड़के दिखेंगे भाई, चलते हैं, माल गाड़ी खड़ी है बेटा, माल इधर दिखाना हाथ में। घंटे से घुमाए जा रहे, मैंने बोला यार कुछ खा भी लेते हैं यार, गरीबों के पास तो कुछ है नहीं। तो हमारा चंडीगढ़ का ट्रिप है, हम तीनों लोगों का, छतबीर जू सुखना लेकर, ऐसी ट्रेन का नाम लिखते हैं हर जगह लिखा आरक्षित, आरक्षित रिजर्व्ड, गरीबों के लिए, इन गरीबों के लिए पहले बताया होगा कि ट्रेन में मत चढ़ना, देख ले ऐसी ट्रेन ऐसी होती है, इसमें शीशे बंद होते हैं अच्छे से, हवा खानी हो मुझे तो, हवा खानी हो तो ट्रेन के ऊपर बैठ जाएगा। एक ऐसे एक भैया मुझ रहा था, बोल रहा है मेरे पापा को पूरा दिन खाना है गुटखा, वहाँ जो वो स्लीपर में बैठे हैं, वो उसका लड़का एसी में बैठा था, बोल रहा है गुटखा खाना है मेरे को पता है, अब शीशा तो खोलूंगा इनके लिए, पुच्छे पुच्छे थूकेंगे पूरा दिन, बोल रहा है शीशा तो नहीं खोलूंगा इसीलिए उनको स्लीपर में कटवाऊंगा। हमारा जो बजट है आज का 550 रुपये मेरे पास है, इसके पास भी इतने ही हैं, उसका हमें पता नहीं है, उसके पास तो चेक करते हैं बड़े बड़े। तो हमारा ये बजट है छतबीर जू जाने का, और देखो क्या सफ़र होता है, कैसा होता है। इस बार कुछ खान संडे कुछ करने के लिए सोचे घूम आते हैं, मतलब सोया भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सो जाना, 2 घंटे का सफ़र ट्रेन में तो सो जाना। चलो ठीक है यार, अपडेट करते हैं, चल मैं यार उधर लड़कियाँ कॉफ़ी पीते हैं, पॉज तो कर लेंगे भाई।
फाइनली हमने खर्चा कर लिया है, एक घंटा बहस करने के बाद पैसे दिया राहुल जी ने। ये भाई साहब चीनी मांगने के लिए गए थे भाई साहब के पास। वो तरीका चीनी मांगने का है, घर से लेके आया करो। शुगर मांगते हैं, चीनी नहीं मांगते हैं। देख रहे हो बिस्कुट वाले पड़ोसी से नहीं मांग रहे। बिस्कुट महंगा है भाई हमारा। अब कॉफी पी के देखते हैं यार। रुको ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है हम लोग। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, एक घंटा वेट करने के बाद। तो फटाफट हम जा रहे हैं ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए। ओके गाइस थैंक यू, चलते हैं आगे, चलो। तो गाइस सब पहुंच गए लल्ल कला। कहां लल्ल कला में ट्रेन रुकी हमारी, दिखा दे भाई। और ठीक है सो अब दिखा, इधर दिखा। तो एक्चुअली हुआ कि हमारी ट्रेन की टिकट बुक करवाई थी हमने, बट कोई बैठा हुआ था वहां पे तो हमने उनको छेड़ा नहीं। बड़ी खुशी मिल रही है दूध वाले को। ऐसे किया कहता है और सब बढ़िया भाई, आप जाओ काम है। खेत आ गए तो ट्रेन जला देना उन्होंने, जहाँ लोग हलते नहीं है बैठ के। स्वर्ग पंजाब नहीं होना स्वर्ग मैंने स्वर्ग स्वर्ग दहेज वाली गाड़ी वो देख रहे, ज़ूम करो भाई साहब, वो दहेज वाली गाड़ी मैं लिख के दे रहा हूँ पक्का उसको दहेज में मिली होगी। यहाँ पे गुस्से में आके भूख में आके लिया है 40 रुपए कटलेट, 40 रुपए का लिया है। एक ब्रेड मिला है, ब्रेड मिला है, और बीच में आलू की टिक्की मिली है। बड़ा कट एक नहीं दो मिली है भाई, भाई दो ब्रेड दो टिक्की मिली है, दो डाल भाई, भाई दिल के शेप की कटलेट है मैंने खाया तो भाई आलू है इसके अंदर कुछ नहीं है, तो कटलेट ही तो है। दांत दिखा रहा है, 40 रुपए ये जा रहे हैं। कैसा है तेरे को मना किए थे मत ले, अभी हगता रहेगा जाकर। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं, स्टेशन से उतरे, चंडीगढ़ पहुंचने में बस कर दी यार, बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पहुंचना है, हम पहले जाएंगे सुखना लेक, लेकिन हमने पूछा किराया, तो किराया बोलता है वो 50 रुपये पर बंदे का। हमने गूगल किया तो 6 किलोमीटर बता रहा है, विच इज़ नॉट फेयर। घंटे का यहाँ 10 किलोमीटर 30 रुपये लगता है। और क्या फेयर नहीं होता साले, फेयर होता है। अभी मेरा फेयर होता है समझ आए, तू टेम्पो से बात कर। कहाँ ले जाओगे? जाना है आपको सुखना लेक जाना है। कितनी सवारी है? 30 सवारी। किराया बताओ यार। अरे यार वो तो छोड़ के, नहीं यार वो तो पीछे छोड़ के, सारी गाड़ी कर लो तीनों लोगों के। चलो ठीक, चलो भाई ऐसा हो रहा है भाई, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, देख के बताते हैं आपको कि क्या है स्टेशन अच्छा है। रवि कह रहा है कि बस स्टैंड जाएंगे तो वहाँ सस्ता पड़ जाएगा, हम लोग बहुत कंजूस लोग हैं क्योंकि हम तीनों लोग जॉब करते हैं। ठीक है चलो भाई, ये दिखा दी, वो देख, वो देखिए वहाँ पे इंजन बना हुआ है। अबे हट यहाँ से, इंजन बना हुआ है, ये बसें चल रही हैं यहाँ पे, अब हम पकड़ेंगे बस। ओए जा बात के जाके, तो बात हो गई है 50-50 रुपए में हम तीनों लोगों की, और फाइनली हमने खर्चा कर लिया 50 में ना अंकल। अरे बहुत बढ़िया, लेक के अंदर छोड़ोगे पूरा 50 रुपए सवारी है लेक बस, ये चाहिए। क्या होता है ना कुछ लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो बाहर ही उतारना है और गेट के सामने। हाँ गेट के सामने उतारना। हाँ वहाँ बोटिंग का कितना लेते हैं अंकल, नाव में तैरने कितना लेते हैं? 20-30 रुपए होगा बाबू टिकट बस। चलो बढ़िया ठीक है, उसको उससे पा दें और वो लगाऊंगा। और हम निकल चुके हैं यहाँ पे सुखना लेक के लिए, ये वीडियो आने वाली है MSB के वाइस चैनल पे, लेट्स सी। सो आपको हम दिखाएंगे, अगर आप कभी आओ सुखना लेक के लिए। सर जी ने अपना रूप डर लिया है, अब ये चंडीगढ़ वाले हो गए हैं, अब ये कंधारी वाले नहीं रहे। ओ हो, ओ हो।
तो हमारी बना इसकी बना। ओहो देख इसकी बना बना टेम्पो में कपड़े बदलता भाई। चंडीगढ़ के हाल की चंडीगढ़ पहुंचते ही कपड़े कपड़े बदलने लगे हैं। सेंट बड़ा महंगा रहा है ना, जो गाली को दे रहा है सेंट नगर अच्छी बात है चंडीगढ़। ये देखिए जब अपने लुधियाना वाले चंडीगढ़ का मुंडा, ये जब अपने लुधियाना वाले चंडीगढ़ में आए तो अपना पिंड का मुंडा चंडीगढ़ आंदा तो इस तरह हो जाता कपड़े चेंज किए मुंडे ने, देखो चश्मा ला के आया है। तो वेलकम तो कितना ले मुझे लगे यहां पे हो रही है फर्स्ट पर हम भी लगे कल बसने लगे। हां बिल्कुल फिर बनाएंगे ब्लॉग। सॉरी गाइस ये जरूरी है, वी आर इन सुखला लेक राइट नाउ। सुखना है सुखना सुखना बोला हूँ सुखना शुक्ला जी के बच्चे।